हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के वीडियो में पबजी मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ आया जो कि आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले। कुछ कुछ चीज़ आपको सब रीजन में देखने को मिलेगा और एक जो इवेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो थाईलैंड इंडोनेशिया रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट में क्लिक करते हैं। तो गाइस, अगर आप पबजी मोबाइल का काफ़ी पुराना यूजर हो तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में पबजी मोबाइल का जो पहला कस्टमाइज बोल सकते हो व्हीकल आया था, वो बोल सकते हो कोई भी कंपनी के साथ कोलैब होकर नहीं आया था, पबजी मोबाइल ने खुद का बोल सकते व्हीकल बनाया था और वो चीज़ वापस से आ चुका है गेम के अंदर। तो इधर आप देख पा रहे हो पबजी लकी क्रेट में क्लिक करोगे तो इधर आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट हेलोइन आया था उस टाइम आपको ये अलग गाड़ी देखने को मिला था यूएस का, और ये कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, पबजी मोबाइल का खुद का ये बहुत सख्त क्रिएटिविटी है। इधर आप देख पा रहे हो एनचैंटेड पंपकिन यूएस आपको दिखाई दे रहा है, ये वापस से आ चुका है। अगर आपको ये ओजी वाला आइटम चाहिए जो कि बहुत ही पुराना यादें आपको याद दिलाएगा, अगर उस टाइम परचेस नहीं कर पाए थे तो आप अभी इसको परचेस कर सकते हो अगर पबजी मोबाइल खेलते हो, और इसमें आप ओपनिंग कर सकते हो जिसमें आप देख पा रहे यूएस आपको दिखाई दे रहा है और तीन तीन आपको डासिया दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हेलोइन वाला पंपकिन डासिया, उसके बाद आप देख कासल डासिया आपको दिखाई दे रहा है, और सबका सब आप बोल सकते हो विंटर हेलोइन का टाइम ही आया था जब जब नया आया था। तो अभी ये सब व्हीकल आपको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा, बट उस टाइम बोल सकते हो जब कोई भी व्हीकल उकल नहीं आता था तो ये सबसे ज़्यादा ओजी और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग व्हीकल माना जाता था, लोग लाखों लाखों रुपये डाल दिए थे उस टाइम, उसके बाद जाके उन लोगों को व्हीकल का स्क्रीन मिला था। खैर अभी थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि आपको एक ही क्रेट में इतना व्हीकल मिलता है, इतना मटेरियल है, तो आपको थोड़ा सा इजीली मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पहले। और अभी तो आपको पता है व्हीकल जो मेन चीज़ वो लोग देखते वो कोलैबोरेशन वाला ही व्हीकल ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, तो इसलिए ये चीज़ इजीली आपको मिल जाएगा। तो जो जो बंदे पुराने यादें के लिए लेना चाहते ले सकते हैं, एल्स आप बुगाटी में जा सकते हो भाई, वो तो लुक में एक नंबर है। उसके बाद अभी हम लोग आते इवेंट में, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इधर हम लोग हॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, लकी ड्यूरेन नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ओपन में क्लिक करते हैं और ये इवेंट जस्ट थोड़ा देर पहले ही आ चुका है। तो ये इवेंट का टाइम पीरियड है 29th of March से लेकर 11th April तक ये इवेंट चलने वाला है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है। और इसमें आपको तीन अलग अलग बंडल से अलग अलग पैक्स आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एपिक पूल है जहां आपको बैरल का स्किन, उसके साथ साथ क्लासिक एंड सप्लाई स्क्रैप दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप लेजेंडरी पूल देख पा रहे जिसमें आपको एक आउटफिट और एक हेडगियर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको मिथिक पूल दिखाई दे रहा है जिसमें आपको मिथिक वाला आउटफिट एंड हेडगियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे मत सोचना कि ये जो आपको चीज़ दिख रहा है इसमें से जो आप क्लिक करोगे तो यही आउटफिट मिलेगा, जी नहीं। तो एपिक वाला बंडल अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आपको बैरल सबसे अच्छा वाला हो सकता हो रिवॉर्ड मिल सकता है, नहीं तो बीच में जो स्क्रैप उसक्रैप भरे रहता है वो भी आपको मिल सकता है, और एक स्पिन करने का एक यूसी लगेगा एपिक वाला का, और 10 यूसी का बोल सकते हो 10 स्पिन कर सकते हैं क्योंकि इसका रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। सबसे बेस्ट जो इसका रिवॉर्ड है एपिक वाला बंडल का वो है आपका बैरल M762। ठीक है, उसका लेजेंडरी पूल में आप देख पा रहे थोड़ा सा अच्छा है ये आउटफिट लेजेंडरी कैटेगरी में, और जो आउटफिट आप देख पा रहे हैं हेडगियर ये सबसे बेस्ट ये बंडल का चीज़ है, और इसके अंदर आपको ओशन क्रिस्टल स्क्रैप उसक्रैप सब मिल सकता है, तो वो ज़्यादातर मिलने के चांसेस है, और ये सबसे अच्छा वाला बोल सकते हो रिवॉर्ड, तो इसलिए वही उसी का इमेज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको एक ओपन करने के लिए 5 यूसी लगेगा, और अगर आप 10 ओपन करना चाहते हो तो 50 यूसी लगने वाला। ठीक है, और उसी के साथ साथ मिथिक वाला अगर आप ओपन करना चाहते हो तो मिथिक में ये सबसे अच्छा रिवॉर्ड है, इसका अंदर भी बहुत सारे स्क्रैप एजी करेंसी ओशन क्रिस्टल वो सब भी आपको रैंडमली मिल सकता है। तो अच्छा रिवॉर्ड अगर आपका लक नेक्स्ट लेवल रहा तो 10 यूसी का आपको एक स्पिन करने का मौका मिलेगा, 100 यूसी का आप 10 स्पिन कर सकते हो। इधर इवेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें आपको यूसी वापस भी मिलने वाला, जी हाँ इसमें यूसी वापस भी मिलेगा, कैसे चलो एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप 10 यूसी एटलीस्ट इन्वेस्ट करते हो ये इवेंट में, कोई भी बंडल में आप 10 यूसी लगाते हो तो आपको वापस कितना मिलेगा, इधर आप देख पाए 3, 5 या 10, तो अगर आप 10 यूसी लगाते हो तो गारंटी है कि आपको 3 यूसी तो मिलना ही है, बट अगर आपका लक ओपी रहा ना 5 यूसी मिल सकता है, और भी ओपी रहा तो 10 यूसी, मतलब जितना यूसी लगाए हो तो उतना वापस मिल जाएगा, मतलब 10 यूसी का स्पिन करोगे तो गारंटी है कि 3 यूसी मिलेगा ही, फिक्स है। ठीक है, बट कभी कभी किसी का लक थोड़ा सा अच्छा होता तो उसको 5 यूसी मिल जाएगा, अगर और भी अच्छा रहा तो उसको 10 यूसी जो लगाया 10 यूसी वापस मिल जाएगा अपने अकाउंट में, फ्री का आप एक स्पिन किए हो, 10 यूसी लगाया 10 यूसी वापस आया, और उसमें अगर आपको मिथिक सेट निकल गया तो भाई नेक्स्ट लेवल लक है। तो जी हाँ, इसे ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये रूल है बताया कि यार रूल्स में अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ यू कैन गेट फ्री मिथिक आउटफिट इफ योर लक इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि अगर आपका लक नेक्स्ट लेवल हो, पहले से आप 10 यूसी लगाए 10 यूसी वापस मिल गया, पहला लक ओपी चला, उसके बाद वो 10 यूसी का जो ओपनिंग किया उसमें अगर पहला ही वाला में आपको मिथिक आउटफिट मिल गया तो क्या ही कहना। ठीक है, 10 यूसी लगाओगे तो गारंटी है 3 यूसी मिलेगा, और 5 भी मिल सकता है 10 भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर 20 यूसी लगाओगे तो आपको वापस से 3 यूसी गारंटी है, 5 और 10 आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, वैसे आप देखो 30 यूसी 40 यूसी 50 यूसी, मतलब 50 यूसी तक अगर आप लगाते हो ना तो कुछ ना कुछ आपको गारंटी है कि वापस मिलना ही है।
मतलब इधर आप देखो टोटल अगर आप 50 यूज़ लगाते हो तो 15 यूसेज तो आपको मिलना ही है। अगर आपका लक बहुत ही खराब है मतलब आपको केवल अपने पॉकेट से 35 यूसेज देना पड़ेगा। अगर आपको 3-3 यूसेज भी 5 बार मिल जाता तो 15 हो गया, और हम लोग 50 यूसेज लगाते तो 50-15 तो हम लोग का हो गया 35। तो 35 यूसेज आपको अपने पॉकेट से लगेगा अगर आपका लक खराब रहा, ठीक है। और इसमें से लक ओपी भी हो सकता है जिसमें कभी आपको 5 यूसेज भी मिल सकता है, कभी कभी 10 यूसेज भी मिल सकता है, तो आपका यूसेज जो है वो और भी बचत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इवेंट समझ में आ गया। तो चलो एक तो मैं स्पिन करके दिखा देता हूँ, जैसे एपिक वाला ये अकाउंट में 4 यूसेज है तो ये एपिक वाला करके देखते क्या मिलता। ओके करते हैं, 1 यूसेज का कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इधर आपको देख पा रहे हो हम लोग को एजी करेंसी मिल गया, ठीक है। तो रैंडमली कुछ भी मिल सकता है, 1 यूसेज का कुछ नहीं है। 10 यूसेज एटलीस्ट मैं लगाऊंगा तब जाके मेरे को ये वाला बंडल एक्टिवेट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।